हाथों को उठाकर जयकारा लगाएंगे आप सभी लोग। प्रेम जुमल बागेश्वर धाम है की जय। और लीजिए मेरी ओर से छोटा सा टुकड़ा संजय भैया, ये गीत गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बोले? मेरी आंखों में जो खुमार है मुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है। खंड गीत को सुनिएगा। कि इंद्र ने वृत्तासुर का जब कर दिया संहार, इंद्र ने प्रताप
Thank you.
शमानी बड़े भैया उल्लू लगा दे, उस समय था नहीं सागर सुखाने के लिए टुल्लू लगा देते ना। बढ़िया प्रस्तुति बिटिया नीलम जी की ओर से आइएगा। आमंत्रित करते हैं आदरणीय ज्योति कमल जी को। इसके पहले अभी हम थोड़ा देर के लिए बाहर गए थे, कुछ भैया लोग हमारे पास आए, उन्होंने चार पंक्तियां कभी सुनी थी, उन्होंने कहा कि दीक्षित जी वो पंक्तियां सुना दीजिएगा। तो वो पंक्तियां मैं आपको भेंट कर रहा हूं। बहुत पहले की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में आई, आते ही 370 धारा को जब हटाया गया कश्मीर से, उस समय एक विचित्र घटना घटी। जेल में खुशियां मनाने लगे कौन? बापू आसाराम जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। जेलर साहब ने पूछा कि बापू आज आप इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो? बोले खुशी का कारण है। बोले क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं है। अरे क्या बताएं, बुढ़ापा है, खड़े होने लगे पब्लिक भी नहीं। बापू आसाराम कहने लगे जेलर साहब एक आशा में हम खुश हो रहे हैं। कहा वो आशा कौन है? तो उन्होंने कहा कि आई है जो लहर मन में तो उसे कैसे छुपाएंगे, आई है जो लहर उसको भला कैसे छुपाएंगे, उनके आए हैं अच्छे दिन तो हमारे भी तो आएंगे। कश्मीर वालों के उनके आए हैं अच्छे दिन तो हमारे भी तो आएगी, जागी है अब नई आशा, जागी है एक नई आशा, ये आशा राम के मन में जगी है, एक ये आशा थी आशा राम के मन में कि हटाई 370 तो 76 भी हटाएंगे, हटाई 370 तो शायद 76 भी हटाएंगे। ऐसा कभी हो सकता है? उम्मीद है, उम्मीद के सहारे दुनिया चल रही है। आइएगा आमंत्रित करते हैं आदरणीय ज्योति कमल जी को। है कलम की बात तो गगन की ऊंचाई पर चढ़ दौड़ती है लेखनी, गगन की ऊंचाई पर चढ़ डोलती है लेखनी, राज कितना भी हो गहरा खोलती है लेखनी, राज कितना भी हो गहरा खोलती है लेखनी। राम जी का राज हो या कंस का ही राज हो, कंस का आतंक हो या राम जी का राज हो, कंस का आतंक हो या राम जी का राज हो, हर समय बेखौफ होकर बोलती है लेखनी, हर समय बेखौफ होकर बोलती है लेखनी। तो आएगा ऐसे लेखनी के सरदार हमारे बड़े भाई श्री राजकमल जी इधर बैठे हैं, मैं उनसे बहुत उम्मीद करता हूं। और सुबह आपका गायन भी सुना, अभी उनका लेखन आपने देखा है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुबह हम आपका गायन भी सुनवाएंगे। आइएगा आमंत्रित करते हैं बिटिया ज्योति कमल जी को। धन्यवाद। Oh, yeah.
बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों ने सुना। आपका क्या बात है कि स्वार्थ की बैसाखियों पे चल रहे संबंध है कि श्रद्धा और विश्वास के टूटे हुए हर बंद है। स्वार्थ की बैसाखियों पे चल रहे संबंध है, श्रद्धा और विश्वास के टूटे हुए हर बंद है। अरे तब जमाना और था और अब जमाना और है, क्योंकि तब झूठ पर प्रतिबंध था, आज सत्य पर प्रतिबंध है। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बढ़िया। सच कहे तो मारा जाए और झूठ कहे तो जगपति आए। वाह, चलो ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बेटा। बात ऐसी कहो राम कहानी आ जाए, बुढ़े को फिर से नई जवानी आ जाए, और किसी को रुलाना है तरीका हमसे सीखो, आज बेटा इतना हंसाओ कि आंखों में पानी आ जाए। कहाँ रहे हो? और ये ढेर सारा स्नेह है, हम जाके सोई थी, और ये मैं इसको मैं क्या कहूँ, ये मेरे लिए आशीर्वाद है। आपका और दादा का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है। आपका मैं आपसे आशीर्वाद की कामना जीवन करूंगी। और मिलता रहेगा, मिलता रहेगा भाई। क्या बात है बेटे, हमने बात कही कि करती है सत का सम्मान नारियां भारत की, और सत पर दे देती है प्राण नारियां भारत की, नारियां भारत की, नारियां भारत की, नारियां भारत की, भारत की नारियां भारत की। दीदी आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपकी बहन होते हुए हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? आपका हमने केवल ये समय बचाने के लिए, हालांकि गीत लिखा था, हमने कहा समय कम लगे, आपका इसलिए हमने इस गीत के तीनों अंतरे अलग हैं, तो आपने सुनाए हैं, क्योंकि आपकी छोटी बहन, इसलिए तीसरा अंतरा मैं आपको सुना रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, सुनिए सुनो दीदी। अरे छुप के गली से कैसे बिटिया चार महीनिया मैं तुम्हारे लिए भेंट करूं, तुम हकीकत हो मेरी और मेरा ख्वाब हो तुम हकीकत हो मेरी और मेरा ख्वाब हो तुम, फूल गुलशन में बहुत मगर गुलाब हो तुम, तुम्हारी कला को मैं किसके मुकाबिल कर दूं, सभी का जवाब है मगर तुम लाजवाब हो। आशीर्वाद मुझे ये मिला, क्या बात है, ये हालांकि पंक्तियां दादा की हैं, लेकिन ये आशीर्वाद मुझे मिला है। जय हो, जय हो, जय हो, धन्यवाद।
बाल है भूत पिता के धर्म। और ये हमारे परम सम्मानीय दादा श्री संजय दादाजी बिलहरी आपकी ओर से 100 पद्मुद्राएं हैं, मैं आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और ये 100 पद्मुद्राएं और पुष्पहार हमारे चाचा जी की तरफ से हैं, मैं आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। सुनील तिवारी चाचा श्री हमारे आपकी ओर से हैं, मैं आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। ये अनुमान इतनी जल्दी न लगाइए, मैं छोटी जरूर हूँ आपसे, लेकिन मैं लड़ूंगी बराबर आपसे। बिल्कुल लड़ने का हक बिटिया बड़ी दीदी से। बिटिया एक मिनट। अरे अभी आपने सुना हमारे छोटे भैया श्री लालचंद दीक्षित जी से बेटी पर कुछ छंद। बिल्कुल मेरे मन में भी एक भाव आ गया, सुनाई दे रहा हूँ। बिल्कुल क्या बात है। अरे निस्वा सर कुल का ध्यान धरे, कुल हर से तो हर साथी है बेटी। निस्वा सर कुल का ध्यान धरे, कुल हर से तो हर साथी है बेटी। वाह। नेह स्नेह से गेह भरे, अरे नेह स्नेह से गेह भरे, घन मेह सदा बरसाती है बेटी। नेह स्नेह से गेह भरे, घन मेह सदा बरसाती है बेटी। राज कमल की बने सुषमा, अरे राज कमल की बने सुषमा, नित जीवन ज्योति जगाती है बेटी। ओ बेटे रुलाते हैं जब जब, माँ बाप को तब हर साथी है बेटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बड़े भाई। राजकमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियों को कम आके ते हो पर बेटियों ने मुवान छुआ है। भक्तिया कविता की है। बेटियों को कम आके ते हो पर बेटियों ने मुवान छुआ है, गीता पुराण कुरान छुआ है, तो तीर कमान कृपान छुआ है। थल में जल में व अंबर में, अरे कोई बता दो कहाना छुआ है। हिंदुस्तान की बात नहीं, इसने यह विश्व महान छुआ है। हिंदुस्तान की बात नहीं, इसने यह विश्व महान छुआ है। बड़े भाई राजकमल जी का समर्थन किया मैंने, कोई जवाब नहीं है। आइएगा आमंत्रित करते हैं बिटिया ज्योति कमल जी को। जय हो, जय हो। हेलो हेलो हेलो। और मैं नमन कर रही हूँ ऐसे गुरु को। आपने हमेशा मुझे प्यार स्नेह दिया है। वाह। मैं वास्तव में कहूँ इतनी दूर से चली तो आई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत 300 किलोमीटर की दूरी तय करके आई हूँ। मुझे लगता है मैं अपने ही अपने के बीच में हूँ, अपने लोगों के साथ में हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या बात है बेटा? ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। वाह। और मैं धन्य हो गई इस धरा पर आकर के, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है बेटे, बहुत सुंदर। एक गीत आपकी ओर से आया है भाई बहन। कौन सा? के दीवानों ने सब लुटा दिया। बहुत मजा आते हो।
हल्का हल्का खुमार है, ये जो हल्का हल्का खुमार है, मेरे दर्दो दिल का करार है। वाह। के दीवानों ने छोटे से थे, हमको लगता है राजेंद्र मोहन दादा जी ये गीत गाया करते थे। आपने इसकी धुन को बदल दिया है, ये बढ़िया बात है। कि मेरे पति से कह देते एक बार तो पी लेते सागर का जलिया था अपार, ऐसा कुछ मैंने सुना है, मुझे ध्यान है। लेकिन बढ़िया बात आपकी ओर से आई है, आइए प्रयास कर रही हूँ कि जब आप सही सुना। जवाब अगर कुछ पंक्तियों में बन जाए तो दो लाइन ही अच्छी, लेकिन दुनिया भर का कबाड़ा नहीं अच्छा। सुनिए, भगवान श्री राम जी ने सागर से कहा, बिना न मानत जलध जल गए तीन दिन बीत। क्या बात है बेटे। बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। धन्यवाद है, कम खाओ अच्छा। सागर से कहा, क्या तुम्हें याद नहीं तेरे मन में कितना गुमान है, बंद कर देंगे सुबह। कहा तेरे मन में कितना गुमान है, जो बात रहा नहीं तू मान है। के चुल्लू में भर मिटा दिया मैंने प्रतिज्ञा की, उसके बाद के चुल्लू बना दिया तुमको, के उल्लू बना दिया तुमको, उल्लू बना दिया तुमको, उल्लू बना दिया। ऋषि अगस्त जी ने चुन्नू में पी लिया और लघु शंका करके निकाल दिया, इसलिए उल्लू बना दिया। तो उल्लू तो बनाते हैं, बहुत बढ़िया।